गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू 10+2 मैथमेटिक्स क्लास. स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस यूनिट एक्सरसाइज 4.1 वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7. इन प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड respectively. Dear students, there are two remarks. Remark first is, for easier calculations, we shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of zeros. Students, when we solve the question, we use this remark. Clear? And second remark is, while expanding, instead of multiplying by power of minus 1 as I plus j, we can multiply by plus 1 or minus 1 according as I plus j is even or odd. Bachcho, jab hum determinant expand karenge, agar power of minus 1 I aur j ko plus karke even aati hai to 1 se multiply karenge, aur power of minus 1 agar I aur j ko plus karke ओड आती है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे. इस बात को आपने अपने दिमाग में बिठाए रखना है. नाउ वी एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ टू डिटर्मिनेंट्स हैविंग सेम ऑर्डर आर गिवन इक्वल. इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 having elements 1, 0, 1 in first row, 0, 1, 2 in second row, 0, 0, 4 in third. Then show that determinant of 3A is equal to 27 times determinant of A. ये हमें प्रूव करना है. डिटरमिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A. तो बच्चों, हमें क्या क्या निकालना है? एक तो हमें डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकालनी है, दूसरा पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालना है. मैट्रिक्स A को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3, स्केलर 3 से. आफ्टर दैट हमें उसका 3A का डिटरमिनेंट निकालना है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें निकालना क्या है. सॉल्यूशन नाउ बच्चों, क्या लिखना आपने? गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4. इसको आपने नंबर 1 देना है. ओके, नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ 1 ठीक है. Taking determinant of 1 B है. कितना आएगा हमारे पास? determinant of 1 0 1 0 1 2 0 0 4. अब इस पर एक्सपेंड करना है. पहले आपको रिमार्क्स में बताया था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जीरोस हैं तो उसके आप लॉन्ग या एक्सपेक्ट करेंगे. आप यहाँ देख सकते हैं, C1 में 2 जीरो हैं, C2 में 2 जीरो और R3 में भी 2 जीरो हैं. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रो या किस कॉलम के तहत एक्सपेंड करना चाहते हो. चलो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ लॉन्ग C1. एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी वन. क्या है हमारे पास? अब आपको मैंने बताया था कि मैं माइनस वन की जो पावर आई प्लस जे होता था उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा. अब या वन लिखूंगा या माइनस वन लिखूंगा. तो यहां क्या आएगा? वन लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद क्या आएगा? एलिमेंट्स 1 एंड सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय
लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, हमारे पास आएगा 1 2 0 4। नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है, तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट भी 0, कितना आ जाएगा 0। बाकी डिटरमिनेंट निकलेगी जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब इसको लिखेंगे तो बार एलिमेंट जो पड़ा वो 0, तो उसको क्या कर देगा 0 कर देगा, आगे भी इसको क्या कर देगा 0 कर देगा। हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आएगा 4 - 0 = 4, कितना जाएगा 4। कितनी आ गई 4। नाउ वी हैव टू फाइंड टी ऑफ ए, वन जीरो वन जीरो वन टू जीरो जीरो फोर। एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या है 10 to 1 10 to 0 10 to 1 10 to 1 10 to 2 10 to 0 10 to 0 10 to 4, 3 0 3 0 3 6 0 0 2. Now we have to prove that determinant of A is equal to 27 times determinant of A. हमें ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ सी ए, मींस डिटरमिनेंट ऑफ ई 0 3 0 3 6 0 0 12। अगेन एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन बी है 10 to 3 6 0 12 - 0 + 0 is equal to 3 - 0 is equal to 3 into 36 is equal to 108. Right hand side is equal to 27 into determinant of A. 27 into value of determinant A is equal to 6. तो ये कितना आ जाएगा 108. This is the question number 4. From 3 and 4, we have left hand side is equal to right hand side. Therefore, determinant of 3A is equal to 27 times determinant of A. इसको अपने बॉक्स में रखना है, आंसर को हैंस आंसर बच्चों अब हम क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट जिस डिटरमिनेंट को एवेल्यूएट करते हैं सॉल्यूशन लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट यानी एलिमेंट 3 - 1 - 2 0 0 - 1 3 - 1 0 क्लियर। अब हम इसको या तो रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपेंड करें। क्लियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड
For easier calculation, we can expand this trend along that row or column which contains maximum number of zeros. Clear? And here you are seeing that in R2, first and second elements are 0. If we expand this determinant along R2, then we will get easier calculation. Clear? Expanding along R2. Expanding along R2, we get अब क्या होगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो हम लिखेंगे माइनस पावर ऑफ माइनस वन एज दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट लाइज इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वी राइट हियर 2 प्लस 1 इनटू 0 इनटू डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय लिटिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, getting the elements of second row and first column. Then second row return will be minus 1, minus 2, minus 5, 0, plus minus 1, power of minus 1 is, this element lies in second row, second column, then 2 plus 2 into 0 into second order return obtained by getting second row, second column. We get determinant of order 2 having elements 3, minus 2, 3, 0, plus power of minus 1 as 2 plus 3 into minus 1 into second order determinant obtained by getting second row, third column. Then second order will be 3 minus 1, 3 minus 5. Clear? Here 0 is in multiply, then we get 0, here also 0, to solve this term we multiply diagonal elements minus multiply non-diagonal elements. Minus 1, power of minus 1 is 5, therefore we get minus 1 into minus 1, minus 15 plus 3, minus 1 multiply करके 1 हो जाएगा, minus 15 plus 3 is equal to minus 1. This is the value of this. Yes. Now, question number 6 is, if A is a square matrix of order 3, having elements 1, 1, minus 2, 2, 1, minus 3, 5, 4, minus 9, then find determinant of matrix A. हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एवेल्युएट करना है. क्लियर? सॉल्यूशन गिवन, ए इज इक्वल टू 2 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9. दिस इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. नाउ determinant of A is equal to determinant of 1, 1, minus 2, 2, 1, minus 3, 5, 4, minus 9. Clear? अब हम क्या करेंगे, इसको expand करेंगे. बच्चों आप इसको expand कर सकते हो along any row and any column. Let us expand this determinant along C1. Expanding along C1,
डी गेट, मैं इसको अलॉन्ग सी ऑन एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब सी ऑन में फर्स्ट एलिमेंट कितना है, वन, सेकंड टू एंड थर्ड एलिमेंट इज फाइव। नाउ वी नो दैट ये भी राइट, पावर ऑफ माइनस वन एज वन इंटू वन प्लस वन इंटू दिस एलिमेंट इंटू सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्या आएगा हमारे पास, वन माइनस थ्री फोर इंस नाइन प्लस पावर ऑफ माइनस वन एज टू प्लस वन इंटू टू इंटू सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वन माइनस टू फोर माइनस नाइन प्लस पावर ऑफ माइनस वन थ्री प्लस वन इंटू फाइव इंटू सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट टेकिंग बाय टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वन माइनस टू वन थ्री। Power of minus 1 is 2 into 1, 1 into minus 9 minus 4 into minus 3. Power of minus 1, 3 into 2, 1 into minus 9 minus 4 into minus 2. Power of minus 1, 4 into 5 into 1 into minus 3. Minus 1 into minus 2. Power it. Now, minus 1 की power even at the matter. 1, 1 into 1. 1. No need to write. Minus 12. Minus 1 into 2. Minus 9. Minus 8. Minus 1. Minus 5. Minus 3, minus 2, minus 9 plus 12, minus 2, minus 9 plus 8, minus 5, minus 3 plus 2. Plus 5 is 1. 3 plus 2 minus 5 is equal to 0. This is the value of this. Now, question number 7 is find the values of x. Find the values of x if first part is value of this determinant. Determinant of order 2 having units 2, 4, 5, 1 is equal to determinant having units 2x, 4, 6x. These two determinants are equal. We have to find the values of x. Solution given 2, 4, 5. This term is equal to having units 2, 4, 5, 1 is equal to return 2x, 4, 6x. In case of second order determinant, we multiply diagonal elements minus non-diagonal elements. Yes, 2 into 1 minus 5 into 4. 2x into x minus 6 into 4. 2 minus 20, 2x equal to 2x square minus 20. Minus 18 is equal to 2x square minus 24. Minus 2x square is equal to minus 20 plus 18. Minus 2x square is equal to minus 6. X square is equal to 3. X square equal to 3. Therefore, x equal to plus minus square root of 3. These are the values of x if 2,
determinants of order 2 are equal. Clear?